मैं बस ये चाहती हूँ कि आप काबिल बनो। एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, मैं एक लेडीज से मिली, उसकी बेटी 12th क्लास में है एंड वो बिल्कुल नहीं पढ़ती। तो वो औरत एक मुझे एक बात कहती है कि यार तुम इनको समझाओ, बिल्कुल नहीं पढ़ती है ये, इसकी शादी होगी कैसे नौकरी करेगी, क्या मतलब इसका करियर क्या होगा, फिर ये शादी भी करेगी आगे, बहुत टफ लाइफ है आज की डेट में, इतना कॉम्पिटिशन है, बहुत टफ है। द गर्ल हु वॉज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड स्टेटेड अ पॉइंट कि मैं क्यों करूं, जिससे मैं शादी करूंगी वो बिल्कुल कुछ नहीं करेगा क्या, वो कुछ नहीं कमाएगा क्या। तो मैं एक बात कहती हूँ कि मैं उस दिन दहेज के बारे में बोलना बंद कर दूंगी जिस दिन आप आदमियों की कमाई पूछना बंद कर दोगे। अब आदमियों की कमाई देख के शादी करोगे। मैं एक औरत को एक मैसेज देती हूँ कि आप सिर्फ इसलिए पढ़िए ताकि जिंदगी में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, मान लीजिए कि आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिससे वो इनकेपेबल हो जाता है, या फिर आप लोगों का रिश्ता नहीं चल पाता है, या फिर कोई ऐसा मोमेंट होता है जिसमें पार्टनर इज नो मोर, तो आप कहाँ जाएंगी, किसके आगे हाथ फैलाएंगी। आपको अपनी जिंदगी बनाने के लिए खुद काबिल होना पड़ेगा। तो इट इज नॉट अबाउट कि आपको बराबरी करनी है, आप उस दिन के लिए तैयार हो जब अगर आपके पास कोई भी नहीं होगा तो एटलीस्ट आप दो वक्त की रोटी तो खा सको। अपने लिए करो यार, किसी के लिए नहीं करना, किसी को दिखाने के लिए, किसी को जताने के लिए नहीं करना, अपने लिए करो।